हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सिंपल सूट कटिंग की वीडियो लेके आए हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें आज हम आपको काफ़ी विस्तार से समझाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये कपड़ा लिया है, ये हमारा लगभग 2 मीटर है। तो इसे हमने इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड किया है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी लंबाई में इस तरह से हमने इसे ऐसे फोल्ड कर दिया है डबल। अब हम इसे यहाँ से इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हमारा अब हो जाएगा 4 फोल्ड में। अब यहाँ पर हमने ये यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई हमने रखनी है, यहाँ हमारा काफ़ी कपड़ा है, यहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो इसकी हम चौड़ाई रखेंगे जितनी हमें अपने हिप के हिसाब से, सबसे जो चौड़ाई में जो सबसे चौड़ा हिस्सा हमारा होता है हिप एरिया का होता है, तो हिप के हिसाब से हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। यहाँ पर हिप हमारी 41 इंच की है, जिसका 4th भाग, ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है, तो उसका अब हमने 4th भाग निकालना है। तो करीबन आएगा 10.25 इंच, उसमें हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। 10.25 इंच हमने यहाँ रख लिया, 4th हिस्सा हिप का, और 11.25, तो टोटल हम रखेंगे 2 इंच का हमने इसमें मार्जिन रखेंगे। टोटल हम 12.25 इंच की इस तरह से नापते हुए हम 12.25 इंच इसको फोल्ड करेंगे। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने फोल्ड किया है, तो इसकी चौड़ाई हिप का 4th भाग प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर हमने टोटल ये 12.25 इंच में इस तरह से इसको 4 फोल्ड में रख दिया है। तो इसकी जो चौड़ाई फोल्ड करने की होती है उसी के हिसाब से रखी जाती है। कम ज़्यादा कपड़ा फोल्ड करने में कपड़ा वेस्ट जाता है, स्लीव्स के लिए कम पड़ता है, इसलिए हमें जितना चाहिए हम उसी हिसाब से रखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फोल्ड करने का तरीका। अब हम इसका मेजरमेंट देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे इसका तीरा लंबाई। हमने जितनी हमें इतनी ये है, ये हमें पूरी लंबाई चाहिए, तो हम लंबाई का निशान पहले नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने कपड़ा पूरा ही लेना है। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे तीरे का निशान। तीरा है हमारा 14 इंच का, 14 इंच का हमारा तीरा है। तो यहाँ पर हम 14 का हाफ 7 इंच रखेंगे। तो 7 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। यहाँ पर 7 इंच यहाँ पर निशान लगाने के बाद नीचे भी हमने इस तरह से लंबाई में आर्म होल 7 इंच ही रखना है। तो ये देखिए, हमारा 7 इंच पर हमने लंबाई में निशान लगा लिया है। अब हम इस तरह से यहाँ पर इस तरह का एक बॉक्स बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले अपना फ्रंट का आर्म होल बनाएंगे। फ्रंट का आर्म होल बनाने के लिए जितना हमने तीरा रखा है उसका यहाँ पर नीचे करीबन 1/2 इंच अंदर की ओर निशान लगाते हैं। इस तरीके से 1/2 इंच हमने अंदर की ओर निशान लगाया और इस निशान को हमने यहाँ मिला लिया। तो ये वाली लाइन हमारी, इसे हम मिटा देते हैं। तो ये हमारा हो गया फ्रंट का आर्म होल। अब यहाँ पर हम इस तरह से जो हमारा ये कॉर्नर है, यहाँ पर से 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। अब जो बैक आर्म होल है हमारा, उसका निशान हम यहाँ पर से, जो ये कॉर्नर है यहाँ पर से 1.5 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगाया। यहाँ पर 1.5 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से एक सीधी लाइन हम ऐसे खींच लेंगे। इस लाइन को हमने यहाँ मिला लेना है। तो यहाँ पर अब हमारा यहाँ पर भी हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे।
तो ये हो गया हमारा बैक आर्म होल और ये हो गया फ्रंट आर्म होल। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट यहाँ पर हमारे 40 इंच की है तो 40 का फोर्थ भाग होता है सीधा सीधा 10 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब हम नीचे कमर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। नीचे हिप का निशान भी हम लगाएंगे 7 इंच पर। तो टोटल हमारा इस तरह से यहाँ पर ये देखिए 21 इंच आ रहा है और 14 इंच पर हमारा कमर का निशान आ रहा है, 21 इंच पर हमारा हिप का निशान आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप निशान लगा सकते हैं, फीते को ऊपर से रखते हुए यहाँ पर 14 इंच पर कमर का निशान और 21 इंच पर हिप का निशान। अब यहाँ पर हमारी जो कमर है 36 इंच की है, 36 का फोर्थ भाग होता है 9 इंच पर हमने निशान लगा लिया। और हिप है हमारी 41 इंच की, तो यहाँ पर हमने करीबन 10.25 इंच ले लिया है, ये इसका फोर्थ भाग हो गया। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर 3 इंच नीचे एक सीधी लाइन लेनी है हमें, यहाँ पर हमारी अपर चेस्ट आती है। अब 3 इंच तक हमने इस तरह से सीधा लेते हुए इसे यहाँ पर से हल्का हल्का राउंड लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे हम यहाँ पर मिला दिया, तो ये हो गया हमारा फिटिंग का। अब यहाँ पर 2-2 इंच का हम मार्जिन रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। अब नीचे हमने जितना हमारा यहाँ पर हमने रखा था 12.5 इंच और नीचे भी हमारा उतना ही है, तो यहाँ पर हम जितना हमने कपड़ा हुआ यहाँ से सीधे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कपड़ा हमारा फोल्डिंग में जाएगा। यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्रंट का आर्म होल होता है, फ्रंट का हिस्सा होता है, उसमें हम इस तरीके से 0.5 इंच कंधे को डाउन करते हैं फ्रंट की ओर। ये फ्रंट की ओर हमने 0.5 इंच कंधा डाउन किया। अब यहाँ पर डाउन करने के बाद यहाँ पर कंधे में हमारा इस तरह से हल्का सा थोड़ा सा तिरछा इस तरह से हम इसे कर लेंगे। ये हमारे कंधे पर यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा तिरछापन रहता है, इसे एकदम सीधा नहीं करना है। इसी तरह से हम फ्रंट और ये फ्रंट में भी हम बैक पार्ट में भी हम इस तरह से ये हल्का सा यहाँ पर तिरछा कर लेंगे। तो ये हमारी सूट की पूरा मेजरमेंट हो गया है। अगर आपको वीडियो में कहीं पर समझ नहीं आ जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हमने जो बैक पोर्शन है उसकी कटिंग करनी है, उसके बाद हम बैक पार्ट को अलग करेंगे, फिर फ्रंट पार्ट की छटाई करेंगे। यहाँ पर हमने इस तरह से कट लगा लेना है जितना हमारा फोल्डिंग का है। यहाँ पर भी हमने 2 इंच पर ऊपर की ओर कट लगाने के बाद इस तरह से फोल्ड कर लेना है कपड़े को जितना हमारा तुरपाई में जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से कट लगा लिए हैं। अब यहाँ पर जो हिस्सा है हमारा ये बंद है, इसे भी हम अलग कर लेते हैं फ्रंट और बैक पार्ट को। अब हम यहाँ पर ये जो हमारे निशान हैं इसे हम इस तरीके से कपड़े को ऊपर करते हुए यहाँ पर इस तरह से
उंगली रखते हुए दूसरी ओर भी हम निशान लगा लेंगे। अब हम बैक पार्ट को अलग कर लेते हैं। बैक पार्ट को अलग करने के बाद हम इस तरह से फ्रंट पार्ट को अच्छे से बिछा लेंगे। पहले अब हम तो अब हम फ्रंट पार्ट की भी छटाई कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमने शोल्डर में जो हाफ इंच हमारा बैक इंच बैक का पार्ट ज़्यादा था वो हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर भी हम छटाई कर लेते हैं आर्म होल में। अब हम नेक की कटिंग करेंगे फ्रंट की ओर। यहाँ पर हमने 2.5 इंच लिया है, 2.5 इंच पर निशान लगाया चौड़ाई में, और लंबाई में हम 6 इंच रखेंगे। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। जो हमारा बैक पार्ट है इसमें हमने शोल्डर की ओर यहाँ पर 1/2 इंच डाउन करना था इस तरीके से। ये देखिए कंधा 1/2 इंच यहाँ की ओर डाउन करना था। अब हम नेक की कटिंग करते हैं। नेक हम जो हमने फ्रंट का नेक काटा था उसे हम इस तरीके से यहाँ पर रख देते हैं। इस तरीके से भी आप बैक पार्ट के नेक की कटिंग कर सकते हैं। फ्रंट पार्ट की करने के बाद ये देखिए 4 इंच पर हमें जो बैक गला चाहिए वो 4 इंच चाहिए, तो फ्रंट का हमारा 6 इंच था, तो 2 इंच हमने ऊपर की ओर रखते हुए इसे इस तरीके से बैक जो पार्ट है उसके ऊपर रखा है बराबर करके। अब इसमें हम इसी में ऐसे कट कर लेते हैं इस तरह से। हमारा बैक का गला भी कट गया है। अब हम ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर कपड़ा बचा है, हमारे पास काफ़ी स्पेस है इसमें कपड़े में, तो हमारे जो स्लीव है इसमें आराम से बन जाएगी। अब जो स्लीव्स में मेरी वीडियो में किसी की कमेंट आई थी कि स्लीव में कपड़ा कितना फोल्ड करें, कितना हम कपड़े को फोल्ड करें, जो इस तरह से डबल में तो ये कपड़ा है, लंबाई में हमने डबल फोल्ड कर रखा है ये देखिए। तो अब हम इसे यहाँ से भी इस तरीके से 4 फोल्ड में रख देंगे। अब जो यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर कपड़ा किस हिसाब से फोल्ड करना होता है हमें, चेस्ट के हिसाब से, चेस्ट का 5/5 हिस्सा। जैसे हमारी यहाँ पर चेस्ट 40 थी तो चेस्ट को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से अगर 40 को 40 की हमारी चेस्ट थी, 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 8 आता है। 40 को हम 5 से डिवाइड करें तो 8 आता है। तो इसी तरह का फार्मूला होता है ये स्लीव के फोल्ड करने के लिए, हम कितना कपड़ा फोल्ड करें, ऐसी कमेंट आई थी। तो जो हमारा चेस्ट होता है उसका 5/5 हिस्सा, तो हमारा यहाँ पे 40 की चेस्ट है तो 5/5 हिस्सा हमारा 8 इंच आ रहा था। तो यहाँ पर ये जो कपड़े की चौड़ाई है ये देखिए 8 इंच हमारा यहाँ पर आया, इतना हमारा सिलाई का मार्जिन हो गया। सिलाई मार्जिन भी हमने उसके बाद रखना पड़ता है, तो ये जो कपड़ा बच रहा है ये सिलाई मार्जिन हो गया। तो इतना इस तरह से हमने कपड़े, अगर आपके पास कपड़े में स्पेस कम है तो आप यहाँ पर जोड़ लगा के
कर सकते हैं। तो मेरे पास काफ़ी स्पेस है। जोड़ वाली स्लिप की मैंने इससे पहले भी कई वीडियो डाल रखी है, उसमें मैंने जोड़ किस तरह से लगाना है वो भी आपको वीडियो में दिखा रखा है, आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। अब हम लेते हैं स्लिप्स की लंबाई। स्लीव्स की जो लंबाई है हमें 19 इंच चाहिए। 19 इंच में हमारा डेढ़ इंच, तो एक इंच हमारा नीचे फोल्डिंग में जाएगा और आधा इंच ऊपर, टोटल हमें डेढ़ इंच ज़्यादा रखना है 19 से, तो टोटल हम यहाँ पर 20.5 इंच रखेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से 3 इंच हमने नीचे जाना है, 3 इंच नीचे की ओर, यहाँ पर 3 इंच नीचे की ओर निशान। अब यहाँ से हमें लगभग 2 इंच या 2.5 इंच पर इस तरह से, 2.5 इंच के बाद इस तरह से हल्का हल्का इसे नीचे ले जाना है। ये हमारा स्लीव्स का शेप हो गया। अब नीचे हम स्लीव्स की मोहरी की तीर चाहिए हमें, तो 10 इंच हमें चाहिए, उसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, टोटल हम 6.5 इंच रख रहे हैं। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने स्लीव की कटिंग करी है। अब हम स्लीव्स को इस तरह से, हमारे 2 हिस्से हमें इधर को इस तरह से कर लेना है, खोल लेना है स्लीव्स को। इस तरह से खोलने के बाद अब हम जो हमारी अपनी साइड होती है यहाँ पर से लगभग इस तरीके से यहाँ पर एक निशान लगाना है, करीबन 1/2 इंच यहाँ पर, ये 1/2 इंच अंदर की ओर गैप करना है। ये वाला हिस्सा हमारा फ्रंट की ओर आता है, इस तरह से 1/2 इंच अंदर की ओर गैप करते हैं, क्योंकि जो हमारा फ्रंट की ओर यहाँ पर आर्म होल में इस तरीके से झोल आ जाता है, तो वो झोल नहीं आए तो इस वजह से, इसलिए हम यहाँ पर 1/2 इंच गैप करके अंदर की ओर गैप करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो सूट कटिंग वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारे सिर्फ हमने जो नेक हमने कट किया था, नेक को हमने कवर करने के लिए यहाँ पर हमें आड़ी पट्टी चाहिए, हमें सीधी पट्टी नहीं लेनी होती है, उसके लिए हमें आड़ी पट्टी चाहिए थी। ये हमारा यहाँ पर जो स्लीव्स के साइड से बचा हुआ था, ये हमारा बिल्कुल आड़ा है, तो ये हमारा जो हमारा नेक है उसकी पट्टी मिले, पट्टी बनाने के लिए काम आएगा, इसे भी हम कट कर लेते हैं। आप लोग भी इसी तरह से स्लीव्स के साइड से जो कपड़ा निकलता है उसमें से आड़ी पट्टी निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास 4 कपड़े हो गए, इसे हम जोड़ के जो हमारा नेक है उसे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से सूट कटिंग की वीडियो हमारी पूरी हुई। वीडियो आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे और कहीं पर आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो वीडियो में आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।